हेलो गाइस, इस लेक्चर में गाइस डिस्कस करेंगे आपका चेनिंग का कंसेप्ट। गाइस, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो आपके हैशिंग करते हुए जो आपके कोलिजन आते हैं गाइस, उस कोलिजन को रिजोल्व करने के आपके पास तीन टेक्निक थी। गाइस, पहली टेक्निक बताई थी मैंने आपको, जिसमें हम अपना बेटर हैश फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर गाइस हम अपना चेनिंग वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, या फिर गाइस थर्ड टेक्निक थी आपकी ओपन एड्रेसिंग। ठीक है, तो इस लेक्चर में देखते हैं आपकी चेनिंग गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर गाइस काफी क्वेश्चन आपके कंप्यूटर एग्जाम में गाइज आते हैं, तो गाइज उसको भी गाइज मैं साथ साथ यहीं पे डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगी बेसिकली कंसेप्ट के साथ ही उसके ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे किस तरह जाते हैं। तो गाइज बात करते हैं आपके चैनिंग की। गाइज चैनिंग का मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया था लास्ट लेक्चर में, कि इसमें हम आपके कोलिजन को रिजोल्व करते कैसे हैं, कि अगर लेट सपोज दो की हैश फंक्शन कंप्यूट करके गाइस वैल्यू सेम आती है, तो मैं क्या करता हूँ उन दोनों को गाइस एक ही सेल में रखता हूँ, बट एज ए लिंक्ड लिस्ट बन जाती है वो। मतलब गाइस लेट सपोज आपकी ये कोई टेबल है 0 1 2 3 4 5 6। गाइस इस टेबल को हम बोलते हैं आपकी हैश टेबल। ठीक है, और गाइस लेट सपोज मैंने आपका जो हैश फंक्शन अप्लाई करा हुआ है गाइज, वो मैंने लेट सपोज के मॉड 10 ही करा है, तो गाइज मेरे पास सपोज दो की है आपकी 22 एंड 42। आपको पता है गाइज, जब मैं 22 और 42 पे ये हैश फंक्शन अप्लाई करूंगा, तो गाइज दोनों के लिए ये हैश फंक्शन आपको वैल्यू 2 ही देगा। तो गाइज जब 2 देगा तो इसका मतलब यहाँ पे कोलिजन है। तो गाइज हम करते क्या है बेसिकली, इस 22 को गाइज मैं आपकी पहले एक लिंक लिस्ट मतलब यहाँ पे स्टोर करा मैंने। गाइज हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि चैनिंग में हमेशा आपकी वैल्यूज आउटसाइड द हैश टेबल स्टोर होती हैं। मतलब गाइस हैश टेबल से हम बाहर यहाँ पे वैल्यू एज ए लिंक्ड लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, और गाइस अगर मुझे 42 इंसर्ट करना है, तो गाइस यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर हम हमेशा मतलब बिगिनिंग में गाइस अपने नए की को इंसर्ट करते हैं। तो गाइस मैं करूंगा कैसे, गाइस लेट्स सपोज यहाँ पे 42 है, तो गाइस पहले मैं इसमें गाइस ये वाला एड्रेस डाल दूंगा, और गाइस बाद में गाइस मैं इसमें गाइस इसका एड्रेस डाल दूंगा। मतलब गाइस ये मैंने सेम इस तरह इंसर्ट करा जैसे गाइस हमने एक सिंगल लिंक लिस्ट में अपनी नोड बिगिनिंग में इंसर्ट करी थी। ठीक है, तो गाइस सेम हमने वहां पे वॉल एफोर्स लगाई है। तो गाइस इस तरह हम अगर आपके यहाँ पे कोलिजन आते हैं, तो गाइस इस तरह से हम यहाँ पर आपका चेनिंग के मेथड से गाइस हम अपने कोलिजन को यहाँ पे रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब गाइस आपको पता है कि हम यहाँ पे सिंपल जब मैं किसी भी की को इंसर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे हमेशा लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में नोड इंसर्ट करनी है, तो भाई इंसर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई भाई, कॉन्स्टेंट बिग ऑफ वन, क्योंकि आपको बिल्कुल बिगिनिंग में करनी है, तो भाई सिंपल आपको बस दो पॉइंटर का इंटरचेंज करना है, और भाई मतलब कॉन्स्टेंट टाइम में आपने किसी भी की को भाई यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं आपके सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिलीशन की कॉम्प्लेक्सिटी की। गाइस आप खुद बताओ, अगर गाइस मैं यहाँ पर आपकी सर्च टाइम की बात करूं, तो भाई एक वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि सारी की सारी की आपकी एक ही वैल्यू पर जाकर मिल रही है, मतलब 22 42 52 62 72। गाइस जब मैं इन सारी वैल्यू पर आपका ये हैश फंक्शन अप्लाई करूंगा, तो सबके लिए गाइस ये हैश फंक्शन आपको वैल्यू 2 ही देगा। जब 2 ही देगा, तो गाइस इसका मतलब मुझे सब इन पांचों एलिमेंट्स को एज ए लिंक लिस्ट यहाँ पर गाइस मुझे सबको स्टोर करना होगा। और गाइस आपको पता है एक लिंक लिस्ट में किसी भी एलिमेंट को सर्च करने की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ऑफ एन। क्यों भाई, क्योंकि हम लिंक लिस्ट में हमेशा लीनियर सर्च ही लगाते हैं भाई, वहां पर हम आपकी बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते, तो इसलिए गाइज आपकी सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन द वर्स्ट केस इन केस ऑफ चैनिंग गाइज क्या हो गया आपकी, बिग ऑफ एन। गाइज अगर मैं डिलीशन की बात करूं, तो गाइज डिलीशन भी आपका वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन ही होगा। क्यों भाई, लाइक सपोज मुझे पहले उस एलिमेंट की को सर्च करना है पूरी हैश टेबल में, और गाइज सर्च करने के आपको पता है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है, गाइज देन मैं उसको डिलीट करूंगा। तो गाइस सर्च करने बाद क्योंकि मुझे डिलीट करना पड़ रहा है, तो इसलिए आपकी सर्चिंग की और डिलीशन की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गाइस बिग ऑफ एन आई है। अब गाइस बात है कि जब मैंने आपको हैशिंग का कंसेप्ट बताया था, तो मैंने बताया था कि हम हैशिंग इसलिए पढ़ते हैं जिससे कि मैं अपनी सर्चिंग को आसान कर सकूं, बट गाइस यहाँ पर तो आपकी सर्चिंग दोबारा से बिग ऑफ एन आ गई, तो फिर इस चैनिंग का फायदा क्या है। गाइस ये वर्स्ट केस बिग ऑफ एन है, बट अगर मैं इसकी गाइस एक एवरेज केस की बात करूं, तो गाइस ये एवरेज केस में आपको कॉन्स्टेंट ही रहता है। कैसे बताता हूँ भाई, भाई होता क्या है,
इसमें आपकी गाइड एक लोड फैक्टर वाली नाम से कोई चीज होती है। लोड फैक्टर की डेफिनेशन क्या है गाइड? लोड फैक्टर गाइड हम आपका अल्फा से डिनोट करते हैं, और गाइड लोड फैक्टर की आपकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हैश टेबल अपॉन साइज ऑफ हैश टेबल। गाइस ये आपका फॉर्मूला है लोड फैक्टर का, ठीक है? मतलब आपके उस हैश टेबल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर कितने नंबर ऑफ कीज प्रेजेंट हैं डिवाइड बाय उस हैश टेबल का कंप्लीट साइज। अब गाइस बात क्या है कि हमने देखा कि यहाँ पर वर्स्ट केस में गाइस चेनिंग कंसेप्ट में आपकी किसी की को सर्च करने की कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लग रही है, बट गाइस एक्चुअली रियलिटी में कभी ऐसा नहीं होता कि आपकी सारी की सारी की एक ही वैल्यू पर जाकर आपकी इंसर्ट होगी। गाइस ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब भी हम कोई हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं गाइस तो हम हमेशा एक चीज को सोचकर करते हैं कि गाइस वो हैश फंक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब गाइस हम हमेशा बेसिकली एक यूनिफॉर्म हैश फंक्शन ही अप्लाई करते हैं। अब यूनिफॉर्म हैश फंक्शन का मतलब क्या है गाइस कि हम पूरी मतलब जब भी हम कोई हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं तो गाइस हर की के लिए वो हैश फंक्शन गाइस वैल्यू आपको अलग अलग ही देगा। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी की आपकी किसी एक ही मतलब पोजिशन पर जाकर गाइस आपकी इंसर्ट हो रही है। तो गाइस इसलिए क्योंकि जब मैंने उस कोई एक यूनिफॉर्म हैश फंक्शन अप्लाई करा, और आपको पता है यूनिफॉर्म हैश फंक्शन में गाइस कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आपकी सारी की सारी की किसी एक पोर्शन में इंसर्ट होगी, तो गाइस होगा क्या, आपके जो सारी की हैं वो आपकी गाइस हैश टेबल में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। मतलब गाइस लेट सपोज मुझे आपकी एन नंबर ऑफ कीज इंसर्ट करनी है, और इस हैश टेबल का साइज गाइस आपका एम है, ठीक है? एम क्या है गाइस यहाँ पर? हैश टेबल साइज। तो गाइस इस फॉर्मूले के हिसाब से गाइस लोड फैक्टर क्या हो गया इसका? गाइस लोड फैक्टर हो गया इसका एन अपॉन एम, क्योंकि गाइस एन नंबर ऑफ कीज प्रेजेंट है और एम गाइस क्या है? हैश टेबल का साइज। अब गाइस होता क्या है, क्योंकि जब हमारी सारी की सारी की आपकी हैश टेबल में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, तो गाइस आपकी अगर मैं एक एवरेज केस की बात करूं तो गाइस एवरेज केस की सर्च कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है बेसिकली गाइस 1 प्लस अल्फा, जिसको आप 1 प्लस एन अपॉन एम बोल सकते हो। मतलब गाइस क्योंकि कुछ कांस्टेंट रहेगा ये लोड फैक्टर, जितना कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसके मैंने डिवाइड करा उसकी पूरी हैश टेबल के साइज से गाइस, क्योंकि अगर ये चीज फॉलो होगी तभी गाइस आपके एलिमेंट्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। तो गाइस जब क्योंकि आपको पता है ये तो आपका मतलब एक कॉन्स्टेंट टाइप है, एल्फा है गाइस, और हम हमेशा चाहते हैं कि एल्फा की वैल्यू गाइस हमेशा मेरी 0 से 1 के बीच में हो। अब गाइस जब एल्फा की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी तो गाइस आपका ये चीज कॉन्स्टेंट हो गई, मतलब 1 प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट, तो गाइस ये इक्वेलेंट हो गई आपकी बिग ऑफ 1 के। मतलब गाइस एक एवरेज केस की बात करूँ गाइस तो एवरेज केस में चेनिंग कंसेप्ट में गाइस आपकी सर्च कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 लगती है। बिग ऑफ 1 बोला आपके गाइस थीटा ऑफ 1 बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि आपको पता है कि हम एवरेज केस को गाइस हम आपके थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? गाइस सेम ऐसी अगर डिलीशन की बात करूँ तो गाइस डिलीशन भी आपका वर्स्ट केस में थीटा ऑफ 1 में मतलब कॉन्स्टेंट टाइम में सॉल्व हो जाता है, और सेम गाइस ऐसी आपकी सर्च होता है। अब गाइस बात करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस की। गाइस एक क्वेश्चन आया था कि चैनिंग का गाइस क्या एडवांटेज है ओवर द ओपन एड्रेसिंग। गाइस आपको पता है कि चैनिंग में होता क्या है कि आपके एलिमेंट गाइस आउटसाइड द हैश टेबल स्टोर है और इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट है। तो गाइस सबसे जो बड़ा फायदा है चैनिंग का वो क्या है कि जब आप चैनिंग से अपने क्वेश्चन को रिजोल्व करते हो तो गाइस आपकी जो डिलीशन वाला ऑपरेशन है ना, डिलीशन ऑपरेशन इज इजियर। ऐसा क्यों गाइस? क्योंकि आपको पता है ओपन एड्रेसिंग में हम क्या करते हैं, ओपन एड्रेसिंग में गाइस हम बार बार अगेन एंड अगेन गाइस हम अपना हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं, कब तक? जब तक गाइस आपको कोई एक एम्प्टी स्लॉट ना मिल पाए। तो बेसिकली ओपन एड्रेसिंग में गाइस मैं अपनी की को उस हैश टेबल के अंदर ही रख रहा हूँ, बट गाइस क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी की को बाहर स्टोर करा हुआ है, तो गाइस अगर मुझे लिंक लिस्ट से कोई भी एलिमेंट को डिलीट करना है तो गाइस मैं यहाँ से आराम से डिलीट कर सकता हूँ। बट ओपन एड्रेसिंग के केस में क्या है गाइस, अगर मैं ओपन एड्रेसिंग में गाइस किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो गाइस मुझे उसके लिए अपने पूरे के पूरे एरे के एलिमेंट को ऊपर
मतलब शिफ्ट करना पड़ेगा। तो भाई मतलब उसमें आपको बहुत ज्यादा चेंज करने पड़ेंगे। तो भाई इसलिए जो सबसे बड़ा एडवांटेज है गाइज आपका चैनिंग का वो है कि डिलीशन ऑपरेशन इजी है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। कई बार गाइज ये चीज डायरेक्ट आपके कंप्यूटर एग्जाम में गाइज पूछ लेता है कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ चैनिंग ओवर ओपन एड्रेसिंग। तो भाई उसका आंसर यही है आपका कि डिलीशन ऑपरेशन इज इजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने आपको एक हैश फंक्शन अप्लाई करा है के मोड 9, और गाइज इन्होंने आपको की वैल्यू दी है 5, 28, 19, 5, 20, 33, 12 एंड 17 और 10। ठीक। और गाइज इन्होंने बोला आपको हैश टेबल में आपके 9 स्लॉट्स हैं, और गाइस इन्होंने आपसे मिनिमम मैक्सिमम एंड एवरेज चैन लेंथ फाइंड करवाई है इस क्वेश्चन में। तो गाइस इसको हम करेंगे कैसे गाइस, क्योंकि आपको पता है आपका हैश फंक्शन है के मोड 9। गाइस जब भी हम किसी की को 9 से मोड करूंगा तो गाइस उसका आंसर हमेशा 0 से 8 के बीच में आएगा। तो गाइस वही है, क्योंकि आपके हैश टेबल में 9 स्लॉट्स हैं, तो गाइस मतलब वो 0 से 8 तक की बात कर रहा है जिनको गाइस उसने आपके यहाँ पे गाइस उन्होंने आपको 9 स्लॉट्स बोला। ठीक। तो गाइस मैं बना लेता हूँ यहाँ पर एक जीरो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है। तो गाइस ये हो गया आपके 9 स्लॉट्स। अब गाइस सबसे पहले मुझे 5 से अप्लाई करना है, तो 5 मोड 9 क्या हो गया गाइस आपका 5, मतलब गाइस आपका ये यहाँ पर स्टोर होगा 28। गाइस 28 मोड 9 मतलब गाइस ये हो गया आपका 1। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 19, 19 मोड 9 गाइस ये भी आपको दोबारा 1 हो गया। 5 मोड 9 गाइस ये आपका दोबारा 5 हो गया। नेक्स्ट है आपका 20 मोड 9 गाइस 2 गाइस। नेक्स्ट है 33 मोड 9 तो गाइस ये हो गया आपका 6। नेक्स्ट है 12 मोड 9 गाइस हो गया आपका 3 गाइस। नेक्स्ट है 17 मोड 9 गाइस हो गया आपका 8, और गाइस 10 मोड 9 हो गया गाइस आपका 1। अब गाइस क्योंकि इसने पूछा है मिनिमम मैक्सिमम एंड एवरेज चैन लेंथ, तो गाइस मिनिमम लेंथ क्या हो गई चैन की गाइस, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, मतलब यहाँ पे गाइस कई इन तीनों इंडेक्स पर गाइस कोई भी चैन नहीं बनी है। तो इसका मतलब मिनिमम चैन लेंथ हो गई गाइस आपकी 0। मैक्सिमम गाइज मैक्सिमम क्या है यहाँ पर 1, 2, 3। ठीक है। यहाँ पर 2 है और सब जगह 1 है, तो गाइज मैक्सिमम हो गई आपकी 3। गाइज अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो गाइज एवरेज आप दो तरह से निकाल सकते हो गाइज, या तो आप निकाल सकते हो डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ लोड फैक्टर। गाइज एवरेज चैन लेंथ का मतलब अगर आप थोड़ा एनालाइज करोगे तो उसका मतलब आपका लोड फैक्टर ही है। बट गाइज एक तरीका और भी है कि आप सबकी चैन लेंथ को प्लस करो और डिवाइड कर दो गाइज 9 से। तो गाइज क्या होगी 0 प्लस ये हो गई 3, 3 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 0 प्लस 2 3 एंड 4 अपॉन 9। 3 और 2 5 और 5 9, 9 अपॉन 9 का जीरो राइट। एवरेज चैन लेंथ आ गई आपकी 1। तो गाइस इसका आंसर हो गया मिनिमम चैन लेंथ 0, मैक्सिमम 3 एंड एवरेज 1। तो गाइस ये आपका क्वेश्चन था गाइस, ये क्वेश्चन आपका 2014 में गेट में आया हुआ था। तो गाइस आपको आइडिया हो गया कि आपका चैनिंग के ऊपर गाइस कंसेप्ट के ऊपर गाइस आपके क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। तो गाइस इतना आप इन सबको ध्यान से समझें गाइस, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका चैनिंग का। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में गाइस डिस्कस करेंगे आपका ओपन एड्रेसिंग कंसेप्ट। तब तक के लिए बाय बाय।